ऐसा है MLP राकेश, वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। और मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही, आज का टॉपिक मेनली रहेगा कि कौन कौन से ब्रांच से डिप्लोमा करना है और बीटेक कौन कौन से ब्रांच से करना है, ALP बनने के लिए और टेक्नीशियन बनने के लिए क्या क्या कौन कौन से ब्रांच से करना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा अभी। और क्या कैसे प्रिपरेशन करना है, जो भी इनिशियल तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके रिलेटेड मैं अभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पूछ रहे हैं कि क्या कोचिंग लेने की ज़रूरत है क्या ALP की प्रिपरेशन करने के लिए, तो इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा अभी आप लोगों के साथ। डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ कि डिप्लोमा आपको कौन कौन से ब्रांच से करना है ALP बनने के लिए। तो सबसे पहले मैकेनिकल ब्रांच आपको, इससे आप डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से कर सकते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं और ऑटोमोबाइल से भी आप कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। तो इतने सारे स्ट्रीम से आप डिप्लोमा कर सकते हैं और आप इस ALP का एग्ज़ाम जो आने वाला है वैकेंसी, उसमें आप 100% एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। जो भी भाई अगर अभी उनका कंप्लीट हो गया हो या वैकेंसी आने के पहले कंप्लीट हो जाए तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है मौका। तो आप लोग इन सारे ब्रांच से डिप्लोमा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं बीटेक वाले कौन कौन से ब्रांच से बीटेक कर सकते हैं ALP और टेक्नीशियन फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें भी मेनली आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारे स्ट्रीम से आप बीटेक कर सकते हैं। और इसमें करने के बाद आप 100% ALP फॉर्म को भर सकते हैं। और टेक्नीशियन की बात करें तो आपका प्लस टू होने के बाद आप ISC से प्लस टू होना चाहिए, उसके बाद ही आप टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस टू रखा गया है। ये सिर्फ आपका डिप्लोमा और बीटेक वालों जो भी आपका पोस्ट निकलता है सारे पोस्ट में भर पाएंगे, जो भी ITI किए हैं। सिर्फ डिप्लोमा और बीटेक होल्डर वाले प्लस टू साइंस से होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो ALP बनने के लिए क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने आप को देखिए कि आपका लेवल क्या है और आप क्या तैयारी कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं देखेंगे कि सपोज़ आपका कोई फ्रेंड आपको बोल रहा है कि चलो कोचिंग कर लेते हैं, और अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर पा रहे हैं तो आप कोचिंग क्यों जा रहे हैं। आप अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए ज़्यादा, और उससे कंपेयर मत करिए कि वो जा रहा है कोचिंग, वो शायद निकाल ले एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको खुद लग रहा है कि कोचिंग की ज़रूरत है मुझे, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप तैयारी 100% अपने कर लेंगे, या YouTube से हेल्प लेकर के या फिर कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेकर के आप अगर अपने आप, जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है मैथ में, अगर आपको मैथ हार्ड लगता है या रीजनिंग हार्ड लगता है या जनरल साइंस या कुछ भी हार्ड लगता है, अगर आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अगर आपको उसमें आप देख रहे हैं कि आपका वो टॉपिक सारा क्लियर होते जा रहा है और आप इजली सॉल्व कर ले रहे हैं सारा क्वेश्चन, तो आप ऑनलाइन से पढ़िए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और कोचिंग की बात करें तो कोचिंग उन्हीं लोग लीजिए जिसका लेवल बिल्कुल मतलब वीक है सारे में, जैसे मैथ रीजनिंग सारे सब्जेक्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़े क्या पढ़े, तो आप लोग कोचिंग ले लीजिए, ताकि कोचिंग में आपको आइडिया मिल जाए कि क्या पढ़ना है और कौन कौन सा मतलब सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को जज करिए, क्योंकि अगर ALP का वैकेंसी आ गया 2023 में मतलब फरवरी मार्च कभी भी, तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। और आपको अगर आपका लेवल सही में वीक है तो आप बहुत मतलब तैयारी आप 100% नहीं दे पाएंगे और आपका फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा CVT 1 में खुद से प्रिपरेशन किया था, CVT 2 के लिए मैं सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैं SK झा सर से 1 मंथ का मैं क्लासेस लिया था वहाँ जा कर के बिहार में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, ओनली 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा आपका मतलब सारे सब्जेक्ट से पूछा गया था CVT 2 में, मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर से ज़्यादा पूछा गया था, और जनरल नॉलेज से बिल्कुल नहीं पूछा गया था, बहुत ही कम था, एकदम देखने को क्वेश्चन मिला था। तो आप अपने आप से सोच लीजिए कि मतलब आप कोचिंग अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैंने CVT 2 में लिया था। और जहाँ तक वैकेंसी की बात है तो वैकेंसी आपका 2018 फरवरी मंथ में देखने को मिला था, और हर अप्रैल के पहले वैकेंसी देखने को मिलता था, मतलब जो भी जब भी वैकेंसी आई है रेलवे की,
तो आप मैक्सिमम चांस है कि मार्च अप्रैल उसके पहले तक वैकेंसी शायद आने के चांसेस एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग ये मत सोचे कि वैकेंसी नहीं आएगा और ये नहीं होगा, क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी ऐसे न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहे थे कि वैकेंसी आने वाली है, और जनवरी या फरवरी में वैकेंसी आ ही गई थी, और बहुत सारे ट्वीट भी किया गया है हमारे होने वाले मतलब रेलवे मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि वैकेंसी मतलब जल्दी आएंगे। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करिए मेरे कमेंट बॉक्स में। और कुछ कुछ भाई लोग क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर दे रहा हूँ अभी। तो एक भाई ने पूछा है कि 6x9 में कौन सा पोस्ट मिल सकता है आई विज़न में। तो 6x9 में आपको टेक्निक पोस्ट आपको इजली मिल जाएगा। और बहुत लोग एक भाई ने पूछा है कि मैं अभी डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में हूँ तो क्या मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप ये प्रिपरेशन 100% स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर वैकेंसी आई और आती है तो आप कम से कम आपका 10+2 अगर साइंस है तो आप टेक्नीशियन पोस्ट में इजली एलिजिबल हो जाएंगे और आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका आंसर दूंगा। और एक भाई ने बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या नोट्स आप अपना दीजिए। तो नोट्स मैं अपना दे दूंगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना तरीक़ा से पढ़ाई किया हूँ और मुझे जो जो हार्ड लगा मैं उससे अपने हिसाब से मैं नोट्स बनाया हूँ। तो आप अपने से नोट्स बनाने का कोशिश करिए ताकि आपको उस टॉपिक में सारा क्लियर आपका हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके भाई के चैनल का 1K सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज़ बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।